पिछले कुछ दिनों से लगातार वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। ये नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, जो अपनी ही कांग्रेस की नीतियों का, निर्णयों का लगातार विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने तो आला कमान को भी आईना दिखा दिया है। अब ऐसे में ये माना जा रहा था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद ही कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन इन्हीं अटकलों के बीच कल एक खबर आई, प्रमोद कृष्णम को पार्टी ने तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया। इतना ही नहीं, इस खबर के साथ साथ इससे जुड़ा एक लेटर भी वायरल हुआ। आचार्य प्रमोद कृष्णम की इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ गई, जिसके बाद इस बात को पुख्ता माना जाने लगा कि अब आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लेकिन इन सभी खबरों के बीच एक बात जानना बेहद जरूरी है, और वो ये कि क्या वाकई आचार्य प्रमोद कृष्णम को निकाल दिया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस के खिलाफ ही बयान दे रहे थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना जाने के निर्णय को भी उन्होंने गलत बताया, और इस मामले में उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा था। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी की अनदेखी का आरोप भी लगाया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो यह तक कह डाला था कि पार्टी पर राम का प्रकोप है। ये भी कहा कि चंद लोगों की ही पार्टी इन दिनों सुन रही है, और यहाँ सत्य कहने वाले को, सनातन का साथ देने वालों को पार्टी छोड़नी पड़ रही है। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि खुद सनातनी है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पार्टी के निर्णय के बावजूद भी वो शामिल हुए थे, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी पार्टी को राम राम कह देंगे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। इसी बीच ये खबर आई कि पार्टी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निकाल दिया। इस खबर के साथ साथ एक लेटर भी वायरल हुआ, जिसमें यही लिखा गया था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है, और जिसके बाद वायरल हुआ आचार्य प्रमोद कृष्णम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये फोटो, जिसमें वो दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। इस फोटो के वायरल होने के बाद लोगों ने सोचा कि अब तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो पक्का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, यानी इन खबरों को, इन अटकलों को अब हवा मिल गई। लेकिन इस मामले में आचार्य प्रमोद कृष्णम का अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से तत्काल प्रभाव से निष्कासित होने को लेकर जो लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उस पर कांग्रेस की तरफ से भी ना कोई ऑफिशियल बयान सामने आया, ना इसके बारे में कोई कबूलनामा आया है, ना ही इसका खंडन किया गया। इसलिए अभी तक इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री से उनकी जो मुलाकात हुई है, इसके जो सियासी मायने निकाले जा रहे थे, इस मामले में खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर तस्वीर साझा की, और उसके साथ उन्होंने लिखा भी, उन्होंने कहा कि मुलाकात एक निमंत्रण पत्र को लेकर हुई थी। इस मुलाकात में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री मोदी को कल्कि धाम उत्सव में आने का निमंत्रण दिया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार भी किया और वहां जाने के बारे में स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात के फोटो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने लिखा कि 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार और साधुवाद। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर इस पोस्ट को रिट्वीट किया और इस निमंत्रण को स्वीकार करने की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार, आचार्य प्रमोद कृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रमोद कृष्णम की इस मुलाकात के कारण की जानकारी दोनों ने ही साझा की है। अभी तक इस लेटर की कोई पुष्टि या खंडन नहीं आया है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि आचार्य प्रमोद अब भी कांग्रेसी हैं या नहीं। लेकिन ये तो साफ है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कई बार कांग्रेस को आईना दिखा चुके हैं, और ये भी बिल्कुल सच है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में अयोध्या में कसीदे भी पढ़े हैं। अगर ऐसे में ये लेटर सच भी हुआ तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस इसी तरह के निर्णय लेती है, और यहाँ सच बोलना गुनाह है। क्या आपको भी लगता है कि जो प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस में सच बोलने वालों को पार्टी छोड़नी पड़ती है, ये सच है? अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से वाकई में निष्कासित किया गया है, तो इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।